फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 3 पे थे। इससे पहले भी मैं यूनिट नंबर 3 की और वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखनी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्टरिंग के बारे में। चार्टरिंग क्या होता है, चार्टरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं चार्टरिंग क्या होता है। व्हाट इज़ चार्टरिंग? चार्टरिंग का मतलब होता है जब इसके मतलब एक्टिविटी जो होती है ना, वो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए की जाती है। और कुछ केसेस के अंदर जो चार्टर होता है वो ओन कर लेता है, मतलब वो खरीद लेता है कार्गो को और उसके अंदर एम्प्लॉय कर देता है एक शिप ब्रोकर को, जिससे कि वो ये फाइंड कर पाए कि जो डिलीवरी हो रही है कार्गो की वो ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और जो वो पे करता है उसको हम बोलते हैं फ्रेट रेट्स, मतलब वो जितना प्राइस पे कर रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रेट रेट्स। चार्टरिंग इज एन एक्टिविटी विद इन द शिपिंग इंडस्ट्री। इन सम केसेस अ चार्टर में ओन कार्गो एंड एम्प्लॉय अ शिप ब्रोकर टू फाइंड अ शिप टू डिलीवर द कार्गो फॉर अ सर्टेन प्राइस कॉल्ड फ्रेट रेट। अब फ्रेट रेट क्या होता है वो देखते हैं। फ्रेट रेट जो कैलकुलेट करते हैं वो हम पर टन बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम एक टन की कैलकुलेशन करते हैं सर्टेन रूट के लिए। मतलब हमें पता होता है कि जैसे ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है तो इतना ही रूट के लिए हम तय कर रहे हैं। और इसके ऑल्टरनेटिव के लिए बात करें तो उसके अंदर आता है हमारा, जैसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्म्स ऑफ टोटल सम, मतलब हमने जितना उसका टोटल सम किया है वो माइनस नॉर्मल इन यूएस डॉलर, मतलब जितने भी यूएस डॉलर हमने पे करे हैं वो, माइनस पर डे फॉर द एग्रीड ड्यूरेशन, मतलब हम वो माइनस करेंगे जो एक दिन का तय हुआ है हमारा। अ चार्टर में ऑल्सो बी अ पार्टी विदाउट अ कार्गो, मतलब चार्टर कभी कभी वो लोग भी होते हैं, मतलब पार्टी विदाउट कार्गो, मतलब जिनके पास कार्गो नहीं है। हु टेक अ वैसल, पर वो किसको ले लेते हैं, वैसल को ले लेते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, फ्रॉम द ओनर एंड द ट्रेड द शिप टू कैरी कार्गोज, मतलब ओनर से ले लेते हैं जिससे कि वो ट्रेड कर सके शिपिंग में एट अ प्रॉफिट अबव द हायर रेट। और इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है उसके, मतलब जितना उसका रेट होता है उससे भी ज़्यादा। और इवन मेक अ प्रॉफिट इन अ राइजिंग मार्केट बाय रीलेटनिंग द शिप आउट और अदर चार्टर्स। तो ये हमने देखा इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप के अंदर पहला आता है वोएज चार्टरिंग। द चार्टरिंग करेक्टर मीन द शिप ओनर प्रॉमिस। इसके अंदर क्या होता है, जो शिप ओनर होता है ना वो प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं तुम्हारी बोट के अंदर है ना वो अपने सामान को कैरी करूंगा। द वॉय चार्टरिंग मीन दैट द शिप ओनर प्रॉमिस टू कैरी ऑन बोर्ड अ स्पेसिफिक शिप और अ पर्टिकुलर कार्गो फॉर अ सिंगल वॉयज। इसके अंदर सिंगल वॉयज की बात करते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा लोडिंग के टाइम और अनलोडिंग के टाइम। तो इसके अंदर हमारा मेन पॉइंट क्या है, सिंगल वॉयज है। और दूसरा बात आई हमारी कि इसके अंदर शिप ओनर प्रॉमिस करता है। दूसरा पॉइंट आता है द पेमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो वो पैसे देता है ना उसको बोलते हैं हम फ्रेट। और जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसको बोलते हैं वॉयज चार्टर पार्टी। वॉयज चार्टर आर कंक्लूडेड बिटवीन, जो वॉयज चार्टर है वो किसके बीच में होता है, एक तो शिप ओनर के बीच में और दूसरा होता है चार्टर के बीच में, मतलब शिप ओनर और चार्टर ये दोनों पार्टी होती है। थर्ड पॉइंट आता है यूजुअली दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेलेक्टेड, मतलब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब अगर कोई न्यू इंसान आया और उसको शिपिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो वो किसको करेगा, वॉयज चार्टरिंग करेगा। दे हैव नो एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन ऑफ शिप और ही हैज़ जस्ट वन कंसाइनमेंट, और अगर उसके पास बस एक कंसाइनमेंट है वो तब करेगा, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और जब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा, वो है चार्टरिंग को। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो इसमें आता है अंडर आ वॉयज चार्टर द शिप ओनर रिटेन द ऑपरेशनल कंट्रोल, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो शिप ओनर होता है ना वो ऑपरेशनल कंट्रोल को रख लेता है वेसल पे और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि पोर्ट चार्जेस जितने भी होंगे, बंकर जितने लगाएगा, वेसल इंश्योरेंस, टैक्सेस एटसेट्रा। द चार्टर कॉस्ट आर यूजुअली कॉस्ट एंड चार्जेस रिलेटिंग टू द कार्गो, जो चार्टर की कॉस्ट आती है वो कॉस्ट होती है जो कि चार्जेस पे जो चार्जेस हमारे लगते हैं कार्गो पे, तो वो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेसिफिक वेसल, अभी जैसे हमने पीछे पेज पे देखा कि इसके अंदर सिंगल मतलब सिंगल वॉयज जाता है फ्रॉम वन और मोर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक मतलब एक की बात होती है, स्पेसिफिक वेसल, स्पेसिफिक कार्गो, स्पेसिफिक पोर्ट और स्पेसिफिक रूट, मतलब सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। राइट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिप ओनर एंड चार्टर आर डिटरमाइंड बाय द चार्टर पार्टी, मतलब उसके क्या क्या ड्यूटी होंगे, राइट होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शिप ओनर की, तो वो कौन डिसाइड करेगा, चार्टर पार्टी।
द चार्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द कार्गो। जो चार्टर होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जो भी उसने अरेंजमेंट करी है ना कार्गो को भेजने के लिए या पेमेंट के टाइम पे फ्रेट की पेमेंट के लिए, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ द कार्गो, और कितनी वो क्वांटिटी भेज रहा है, कितनी लोड कर रहा है, और कैरिड एंड अदर एक्सपेंसेस कंसर्न्ड। द शिप ओनर शुड बियर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। जो शिप ओनर होगा, मतलब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, फर्स्ट वन इज शिप ओनर और सेकेंड होता है वो चार्टर। तो जो शिप ओनर होगा वो किसके लिए बियर करेगा, क्या बियर करेगा, वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब जो स्टार्टिंग में होते हैं। द पेमेंट ऑफ द चार्टर टू द शिप ओनर, मतलब जो पेमेंट करेगा चार्टर शिप ओनर को, तो वो क्या किस में करेगा, चार्टर्ड वेसल में, या फिर वो उसको फ्रेट देगा इंस्टेड ऑफ हायर। दीज देयर आर द प्रोविजन फॉर ले टाइम। इसमें ना मतलब जब वो एग्रीमेंट करते हैं ना वो दोनों, तो उसके अंदर प्रोविजन पहले से वो डिसाइड कर लेते हैं, ले टाइम से रिलेटेड, डिमोरेज एंड डिस्पैचेस। तो उसके बाद आता है टाइम चार्टरिंग, ये हमारा सेकेंड टाइप होता है। इसके अंदर आता है द टाइम चार्टरिंग मीन दैट द शिप ओनर प्रोवाइड अ डेजिग्नेटेड मैनर्ड शिप टू चार्टर। इसके अंदर क्या है, जो शिप ओनर होता है ना वो प्रोवाइड करवाता है, मतलब एक डेजिग्नेटेड, मतलब वो जो बहुत पुरानी सी कोई शिप होगी वो उसको प्रोवाइड करवाता है किसी चार्टर को। द चार्टर इंप्लॉय द शिप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इसके अंदर जो चार्टर होता है वो अपने गुड्स को शिप के अंदर लोड कर देता है, वो भी किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हायर इंस्टेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ वॉयज और ट्रिप्स। मतलब इसके अंदर भी मतलब वॉयज और ट्रिप्स पता नहीं होते। अब ये पीरियड मतलब इसके कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, ये भी सिंगल के लिए किया जाता है, या तो सेवरल मंथ की या फिर ईयर्स की बात होती है। कॉस्ट के अंदर देखते हैं द चार्टर इज लाइबल फॉर कॉस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूज ऑफ द वेसल। मतलब चार्टर कौन सी कॉस्ट के लिए लाइबल होगा, वो कॉस्ट जो कि यूज की जा रही है वेसल के टाइम पर। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्म्स, मतलब ये क्या क्या बनाती है, क्या क्या फॉर्म करती है। ऑल दो कंसिडरेबली फ्यूअर इन नंबर, मतलब ये बहुत कम होती है अपने नंबर के अंदर, बट ये ज़्यादा लोगों के द्वारा चॉइस की जाती है, मतलब वाइडर इन चॉइस होती है। चार्टरिंग देयर इज एडुकेट नंबर ऑफ टाइम, इसके अंदर एडुकेट नंबर होता है हमारे पास टाइम के, टाइम से रिलेटेड, यूज फॉर द टाइम चार्टरिंग। इसके अंदर दो फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, नाइप NYPE और बेल टाइम। उसके बाद आता है बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम चार्टरिंग आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नाइप। अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नंबर के टाइम चार्टरिंग है तो वो किसके ऊपर फिक्स होगा, नाइप के बेसिस पे। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, द शिप ओनर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर शिप ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या क्रू कर रहा है, क्या वो बियर कर रहा है, वेजेस प्रोविजन क्या क्या है, तो इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप ओनर की होती है। वॉइस के अंदर हमने देखा था कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होती है वो कौन डिसाइड करता है, चार्टर पार्टी। सेकेंड पॉइंट आता है देयर आर द प्रोविजन फॉर डिलीवरी और रीडिलीवरी। इसके अंदर प्रोविजन रिलेटेड होता है किससे, डिलीवरी कब होगी या फिर रीडिलीवरी ऑफ वेसल। द शिप इज चार्टर्ड एज अ होल, जो शिप होती है वो चार्टर्ड की जाती है होल या फिर पार्ट में, तो और वो जो उसकी कैलकुलेशन होती है या फिर जो कलेक्शन होता है उससे। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ चार्टरिंग एंड एग्रीड हायर रेट, तो वो किस पे एग्री करते हैं, हायर रेट पे। द शिप ओनर शुड बियर द फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, जो शिप ओनर होता है वो क्या बियर करता है, एक फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसको। अब उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यूज ऑफ शिप, इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ऑपरेशन मतलब ये कब कब काम आती है, ये तब काम आती है जब शिप ओनर लेफ्ट कर देता है। इसके अंदर तब काम आती है जब चार्टर लेफ्ट कर देता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होती है जब बनाने के टाइम पे काम की जाती है। तो ये किसके द्वारा बॉर्न की जाती है, शिप ओनर के द्वारा, और ये होती है चार्टर के बारे में। ये होता है रेम्यूनरेशन, मतलब कौन इसकी फीस वगैरह पे करेगा। फ्रेट इज फिक्स्ड, इसके अंदर फिक्स्ड होते हैं इन प्रमोशन टू कार्गो क्वांटिटी, मतलब जितनी कार्गो की क्वांटिटी होगी। इसके अंदर वो फिक्स्ड होता है टाइम ऑक्यूपाइड, मतलब जितना टाइम लगेगा उतना उसे फी पे करनी पड़ेगी। रिस्क के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर रिस्क कौन बॉर्न करता है, शिप ओनर, और इसके केस में आता है चार्टर्स अकाउंट। अब आता है हमारा थर्ड, टाइम चार्टर ऑन ट्रिप बेसिस, इसे हम बोलते हैं TCT। TCT मीन दैट द चार्टर एम्प्लॉय वेसल वन टाइम चार्टर बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ अ स्पेसिफिक वोएज। इसके अंदर स्पेसिफिक वोएज की बात करते हैं, एंड फॉर द पीरियड ऑफ स्पेसिफिक वोएज एंड फॉर द कैरेज ऑफ अ स्पेसिफिक कार्गो। इसके अंदर स्पेसिफिक कार्गो आता है, एंड द प्रैक्टिस हैज गिवन राइज टू देयर टर्म टाइम चार्टर और ट्रिप। मतलब इसके अंदर जो टाइम होता है वो हम किस पे बेसिस पे करते हैं, ट्रिप के बेसिस पे, मतलब जितने ट्रिप जाएंगे उतनी उसकी कॉस्ट आएगी। देयर आर नो चार्टर पार्टी, इसके अंदर कोई भी चार्टर पार्टी
नहीं होती। और उसके बाद आता है इसके अंदर जो ट्रिप्स वो करता है उस पर कैलकुलेट होते हैं, उसके ऊपर नेगोशिएट करते हैं, मतलब कम ज़्यादा भाव वो करते हैं एंड बेसिस ऑन द स्टैंडर्ड टाइम। और किसके ऊपर करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, अडेप्टेड स्लाइटली वेयर अप्रोप्रिएट। और उसके बाद वो करते हैं उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं जो उनको अप्रोप्रिएट होता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। तो ये होता है हमारा COA। COA इज़ अ जेनरिक टर्म विच कवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारे अभी तक जितने पड़े वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, मतलब हम किसको गुड्स को लेके जा रहे हैं बाय सी के द्वारा। बोथ चार्टर पार्टी एंड बिल्स ऑफ लैंडिंग आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मोर लिमिटेड सेंस। इसका हम लिमिटेड सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें सेटिस्फाई करनी हो चार्टर्स की नीड को, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपनी ट्रांसपोर्ट कर रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, ऑफन वन ईयर, मतलब या तो एक साल की बात हो रही है या फिर कुछ मोर ज़्यादा सालों की बात हो रही है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट को, मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन होती है। दूसरा आता है सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंच जाता है वो भी सेफ्टी के साथ। फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, COA कैन ऑफन बी रिलेटेड टू वॉयज, मतलब ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा जो हमने फर्स्ट वन पढ़ा था, द लेंथ ऑफ द चार्टरिंग पीरियड लाई ऑन द टोटल क्वांटिटी, मतलब जो लेंथ होती है चार्टरिंग पीरियड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी के कार्गो हम भेज रहे हैं। कार्गोज कैरिड अंडर COA आर यूजुअली बल्क, मतलब हम बल्क क्वांटिटी में भेजते हैं, ऐसा नहीं है सिंगल क्वांटिटी भेज रहे हैं। इसके रिस्क की बात करें तो रिस्क ऑफ डिले इन सेलिंग शुड बी बोर्न बाय शिप ओनर, मतलब रिस्क को कौन बोर्न करता है, शिप ओनर। अब हमारे लास्ट आता है बेयर बोट चार्टरिंग। द बेयर बोट चार्टरिंग इज अ चार्टर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट टाइप का चार्टर होता है। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि वो लीज करे अपनी शिप को फ्रॉम द शिप ओनर, लीज करे शिप को, मतलब शिप को ले शिप ओनर से। द बेयर बोट चार्टरिंग ऑर्डिनरली मीन दैट द वेसल इज पुट एट द डिस्पोजल ऑफ द चार्टर, मतलब जो वेसल है वो लगाई जाती है डिस्पोजल के टाइम पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसका यूज करा जाता है लॉन्ग पीरियड एम्प्लॉयमेंट के लिए विदाउट एनी क्रू, मतलब इसके अंदर हमें क्रू मेंबर की जरूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्टरिंग और व्हाट इज चार्टरिंग। तो ये होता है हमारी इस वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और भी वीडियोज देखनी है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक यू।